हर क्रॉसिंग पे गड्ढे पड़े हुए हैं। ज्यादा देख के परेशानी होती है एम्बुलेंस की। बहुत हादसे हो चुके हैं यहाँ पे। आते बाइक वाले कोई भी यहाँ पे आके ठुक के गिर जाएगी। ब्रा टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं ब्रा टाइम्स। मुंब्रा कौसा में वैसे तो कहा जाता है कि शहर में काफी विकास हुआ है और वाकई में हुआ है, मगर किस चीज का वो भी हम आपको बता दें। इन गड्ढों का विकास हुआ है। वाकई ये गड्ढे विकास के गड्ढे हैं जिनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये बढ़ोतरी इतनी तेजी से हो रही है कि पूछिए मत। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पास का जरा ये नज़ारा देखें। सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहने को तो यहाँ नेता मुंब्रा शहर की तुलना संघाई से करते हैं, तो वो भी बड़ी ठाट बाट के साथ। ऐसा नहीं है कि मुंब्रा को संघाई बताने वाले नेताओं की गाड़ियां इन विकास के गड्ढों से होकर नहीं जाती हैं, मगर क्या करें, इनकी आंखों पर भक्ति का चश्मा जो लगा रहता है गड्ढों में, इन्हें लगता है कि ये हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं। बस जैसे तैसे बोल बचन से राजनीति की गाड़ी चल रही है। रास्ते में गड्ढे हैं तो क्या हुआ, मगर इन गड्ढों से अब तक कितने लोगों की जान चली गई है किसी को क्या फर्क पड़ता है। मुंब्रा तो संघाई है, वो भी गड्ढों वाला। जगह जगह ब्रेकर आधे अधूरे हैं। जरा ब्रेकर की भी तस्वीरें देख लो, क्या हालत है। सम्राट नगर के पास की ये तस्वीरें हैं। इसी तरह से दारुल फला मस्जिद और राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के पास, यानी कि मुंब्रा की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं गड्ढों से भरी हुई हैं। मुंब्रा रेलवे स्टेशन से शिमला पार्क तक आप चले आएंगे तो आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। रास्तों में इतने गड्ढे मिलेंगे कि रिक्शे में उछल उछल कर मन मगन हो जाएगा, क्योंकि ये गड्ढे विकास के गड्ढे हैं। कब इन्हें भरा जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जनता ने भी बड़ी तारीफ की है, जरा सुन लीजिए। सड़कों पर जो गड्ढे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे भाई, अभी इंतजार कर रहे हैं कि गड्ढे कब भरेंगे और कब इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। सब ज्यादा गड्ढे हो गए ना, हर क्रॉसिंग पे गड्ढा, इसकी वजह से और ट्रैफिक जाम होता है। अलमास कॉलोनी, सकवर नगर, ये आगे पुलिस चौकी, हर क्रॉसिंग पे गड्ढे पड़े हुए, और ये गड्ढे कब भरेंगे अल्लाह ही बेहतर जानता है। हादसे होने की भी डर है। हादसे होने का तो खैर, पब्लिक को क्रॉसिंग करने में तकलीफ हो रही है, गाड़ियों के टायर खराब हो रहे हैं, गाड़ी में मेंटेनेंस आ रहा है, इसका सब कोई ध्यान देने वाला नहीं है। गड्ढों के बारे में क्या कहेंगे? तो गड्ढे हैं यहाँ पर, हाँ, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? भाई एक्चुअली वहाँ से ना वो रीप में आते बाइक वाले, कोई भी यहाँ पे आके ठुक के गिर जाएगी, तो ये गड्ढे भरना चाहिए, ये प्रशासन से मांग है सबकी। पूरे मुंब्रा के जो रोड है, पुलिस स्टेशन के सामने भी गड्ढे हैं और मस्जिद के पास भी है, संजय नगर के सामने भी है, और लेकिन इस पे हादसे भी हो चुके हैं अब तक के आके भी। बहुत हादसे हो चुके हैं यहाँ पे, यहीं पे नहीं, एक तो शिवली नगर के पास स्पीड ब्रेकर भी है, वो स्पीड ब्रेकर के पास भी उस दिन कुछ एक्सीडेंट हो गए, एक लेडी की मौत हो चुकी थी, तो ऐसे भी बहुत हादसे होते हैं, तो यहाँ पे भी हादसे हो गए, होने के चांसेस तो है, लेकिन ये गड्ढे तो भरना चाहिए। तो जब तक ये गड्ढे नहीं भरेंगे तो यहाँ पे मतलब ऐसा इंसिडेंट होता रहेगा कुछ ना कुछ। देखो लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से मुंब्रा कौसा में सड़कों पर गड्ढे हो, बहुत तकलीफ होती है सर इससे, बहुत तकलीफ, यानी बहुत जनों को परेशानी होती है। पब्लिक बोलते हैं और लोग बोलते हैं क्या, रिक्शा की वजह से ट्रैफिक होती है, ये रिक्शा की वजह से नहीं, ये खड्डों की वजह से ट्रैफिक होती है। एक गाड़ी रुकती है स्लो मोशन में तो उसके पीछे 10 की लाइन लग जाती है, उसके पीछे और ट्रैफिक हो जाती है खड्डे की वजह से। पहली बात तो ये, इधर से देखो ना शरीफा रोड पे और अपना ये दारूपला के पास किस्मत कॉलोनी पे, वो एक है और एक कौसा कब्रस्तान है, कौसा कब्रस्तान के बाद वो उधर है पेट्रोल पंप के पास, उधर पे तो ज़्यादा ही होती है ट्रॉफिक, शाम के टाइम पे तो ज़्यादा तक की होती है, और बोलते हैं रिक्शा वाले की वजह से ट्रॉफिक होती है, रिक्शा वाले की वजह मेन खड्डे की वजह से ट्रॉफिक होती है। दत्तूवाड़ी से लेके पूरा बाईपास अपना कल्याण फाटे तक के रास्ते में खड्डे ही खड्डे, क्या ऐसा नहीं क्या, एक नॉर्मल
जाते ज्यादा तक परेशानी होती है एम्बुलेंस गड्ढों को लेकर। आपका और भी क्या कहना है कि गड्ढे भरना चाहिए, क्योंकि भरना चाहिए, भरना या तो कैपेसिटी अच्छी रहती है। हादसे हो रहे हैं, बहुत हादसे हो रहे हैं। कल शाम में भी हादसा हुआ है, मैं स्लो मोशन किया, पीछे से मेरे पीछे वाला बाइक वाला मेरे को छिटका दिया, उसके पीछे कार वाले ने छिटका दिया, ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है। कल की बात है, शाम में मगरिब के बाद, वो भी कौसा कब्रस्तान के पास। ये खड्डे भरेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट होने के चांसेस। सुना आपने, लोगों की जान खतरे में है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, ट्रैफिक जाम होती जा रही है, मगर गड्ढे ऐसे ही रहेंगे या फिर भरे जाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।